देख सकते हो, ऐसी आइसक्रीम शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी कि इसको आइसक्रीम ही बोल सकते हैं। टेलुस्तम आइसक्रीम, इसका टेस्ट टेलुस्तम का आम लस्सी, इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। आम लस्सी का क्या टेस्ट होगा मुझे नहीं मालूम। एकदम बेकार है, आइसक्रीम बहुत अच्छी है कि एकदम बेकार है, बिल्कुल टेस्टलेस है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक आइसक्रीम खाने के लिए मैं एक घंटा चलकर दूर से आइसक्रीम खाने आऊँगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आज जिस जगह आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ उस जगह की बात ही कुछ अलग है। बहुत फेमस है और तो उनकी आइसक्रीम भी थोड़ी अलग ही टाइप की है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ एक अलग तरीके की आइसक्रीम जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी हो। हाँ, कि भीड़ देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये आइसक्रीम इतनी फेमस क्यों है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के पास में है और ये जितने सारे बंदे यहाँ पे खड़े हैं सब वही आइसक्रीम खा रहे हैं। ये है वो केरुस्तम आइसक्रीम, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी खड़ा है वो सिर्फ वही आइसक्रीम खा रहा है, केरुस्तम आइसक्रीम। और शॉप की हालत आप देख के सोचोगे कि क्या ही होगी, लेकिन तो यहाँ से मैं आज आपको दिखाता हूँ केरुस्तम की आइसक्रीम। ये है यहाँ के प्राइस, ये लिया मैंने आइसक्रीम और ये लिया मैंने आम लस्सी। इतनी भीड़ है यहाँ पर कि आप देख सकते हो, तो मैं ये खाने जा रहा हूँ। देख सकते हो ऐसी आइसक्रीम शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी कि इसको आइसक्रीम ही बोल सकते हैं। तो मैं खाने जा रहा हूँ आइसक्रीम, केरुस्तम आइसक्रीम, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। अगर आपको मौका मिले एक बार यहाँ पे आने का खाने का तो जरूर खाना। रुस्तम का आम लस्सी, इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। आम लस्सी का क्या टेस्ट होगा मुझे नहीं मालूम। एकदम बेकार है, आइसक्रीम बहुत अच्छी है कि एकदम बेकार है, बिल्कुल टेस्टलेस है। इस आइसक्रीम का क्रेज़ तो आप देख सकते हो कि फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी खा रहे हैं। मैंने तो खा ली, मेरे को तो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके लस्सी की तो वो उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसमें मुझे केमिकल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था। बाकी सामने ये मरीन लाइन है और बाद में आपको लेके चलूँगा कि आप यहाँ पे के रुस्तम अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग दिख जाएंगी और ये भीड़ दिख जाएगी। और ये यहाँ से आपको सामने जाना है, ये जो भीड़ लग रखी है ना यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको के रुस्तम की आइसक्रीम खानी है। बहुत ही टेस्टी, आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पर। और बिल्कुल पास में यहाँ पर तनिष्क का आपको शोरूम भी मिल जाएगा। मुझे आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आना है तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आना होगा, चर्च गेट और मरीन लाइन, ठीक है? मरीन लाइन के बिल्कुल सामने है ये, लेकिन अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो मत आना क्योंकि इतनी दूर से आप आइसक्रीम खाने तो मत ही आना, ठीक है? मैं तो पास में ही रहता हूँ, एक घंटे के रास्ते पर, तो मैं यहाँ पर आ गया खाने के लिए, ठीक है? मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।